हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। आज मैं रिमाइंडर्स थ्योरम करवाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक एग्जाम्स के लिए, IBPS PO के लिए, SSC के लिए। अगर अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन आता है तो कम से कम एक दो क्वेश्चन इससे ज़रूर बनेंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि आप कह लें कि इस चैप्टर को करने के बाद अगर आपसे कोई पूछे 2 to the power 39, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ मेरा रिमाइंडर कितना आता है, तो आप ये अंडर 10 seconds में कर लेंगे क्वेश्चन आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, और IBPS PO का मेगा प्रिपरेशन कोर्स है उसे ज़रूर उसमें आप इनरोल कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रिमाइंडर होता क्या है। मान लीजिए आपने 15 को 7 से डिवाइड करना है तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। सिंपली जैसे हम करते आ रहे हैं आज तक, राइट। तो यहाँ पर हमारा एक जो है रिमाइंडर बच गया है। लेकिन इससे आगे जाके थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए आपने 15 को 6 से डिवाइड किया, राइट। यहाँ पे आप कहेंगे मेरा 3 का रिमाइंडर आया, लेकिन वो पॉजिटिव में है, समझ रहे हैं। 6 to the 12, राइट। 6 multiplied by 2 is equal to 12 plus 3 is equal to 15, राइट। दूसरी तरह से देखें, 6 multiplied by 3 is equal to 18 minus 3 is equal to 15। तो यहां पे रिमाइंडर या तो प्लस 3 आएगा या माइनस 3 आएगा। फर्दर और चलते हैं। अगर आप बात करें कि 22 है, इसको 5 से डिवाइड करें, या तो फिर आपका रिमाइंडर यहां पे प्लस 2 आएगा। अगर 5 चौके 20 है तो 20 से 2 नंबर आगे है, तो मतलब 2 का रिमाइंडर बचता है। अगर 25 से कंपेयर करें तो 5 5 is 25, तो -3 का रिमाइंडर है। तो बेसिक सा फंडा है ये। अगर 17 को 3 से डिवाइड करें तो देख लीजिए, या तो +2 है या -1 है। 15 से और 18 से कंपेयर किया है। ये बस रिमाइंडर वाला फंडा ध्यान में रखिए, सारे का सारा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये समझना मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपने रिमाइंडर फाइंड करना है कि अगर 37 को 43 से मैं मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, 7 4 is 28, 7 5 is 35, तो यहाँ पे 2 का रिमाइंडर बचता है +2 का, और यहाँ पे 7 6 is 42, और यहाँ पे 1 का रिमाइंडर बचता है। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। 2 का रिमाइंडर है आपका, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। 87 divided by 11, इसका नियरेस्ट नंबर जो बनता है 11 multiplied by 8 88 88, और 87 में -1 का थोड़ा डिफरेंस है, ये रिमाइंडर है आपका। और यहाँ पे 11 multiplied by 2 22, और यहाँ पे 1 का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा -1। लेकिन जो रिमाइंडर है वो माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए 11 minus 1 is equal to 10 जो है आपका रिमाइंडर है, और ये आपका आंसर है। यहाँ पे 39 की पावर 42 है, अगर इसको 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 39 है, अगर इसको मैं सीधा 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर बचता है जी -1। सिंपल, अगर 39 को सीधा अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ मेरा रिमाइंडर बचता है -1। लेकिन -1 तो जी आंसर नहीं हो सकता है। 10 minus 1 हमारा 9 आंसर आ जाएगा। 9 इज माय आंसर, एज सिंपल एज इट इज। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने कोशिश करनी है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ये जो डिनोमिनेटर है 10 है, इसके या तो इसके आसपास हो या इसके मल्टीपल्स के, ये जो ऊपर ये वाला नंबर है ये इसके या तो 10 के आसपास हो या इसके जो मल्टीपल्स हैं 20 30 40, इसके आसपास हो, ये चीज का ध्यान रखना है आपने। अभी इसको देखिए, ये वाले क्वेश्चन को, 4 to the power 96 divided by 6, इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड तरीके से करूं सीधा 4 to the power 96 divided by 6, सीधा कीजिए, राइट, कितना बचेगा, -2 आपका रिमाइंडर बचता है बस। -2 आपका रिमाइंडर हो नहीं सकता है, 6 minus 2 4 आपका आंसर है बस, दैट्स इट। इतना आसान है ये,
कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट या ज़्यादा आपको डीपली समझाने की कुछ मैजिक ट्रिक नहीं है, ये ऐसे ही सॉल्व होता है। अभी ये क्वेश्चन देखिए, टू द पार 2015 डिवाइडेड बाय 3। अभी इसको करने का क्या तरीका है, फिर से वही करूँगा। ये देखिए टू द पार, इसको देख के ही सॉल्व किया जा सकता है। अभी इसको अगर इससे मैं जैसे हम तरीके से कर रहे हैं, माइनस वन आएगा, राइट, लेकिन माइनस वन रिमाइंडर हो नहीं सकता है, तो 3 - 1 = 2 हमारा आंसर है यहाँ पे। मतलब आपको समझाने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन आप अंडर 5 सेकंड ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं पेपर में तो आपकी लॉटरी लग गई IBPS। चलिए स्टूडेंट्स, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, टू दी पार 99 डिवाइडेड बाई 33। अभी इसका रिमाइंडर निकालें, कैसे करेंगे। अभी फिर से मैं वही करूँगा, अभी 33 के करीब करीब लाना है मुझे अपर वैल्यू को, तो 2 - 1 = 2, 2 - 2 = 3, 2 - 4, 2 - 5 जो है ये अपना बनेगा 32। तो 32 बहुत करीब है 33 के, तो 2 - 5 × 19 कह लीजिए, तो ये आपका 95 तो यहीं पे बन गया, बट 4 बच गया, राइट। तो ऊपर का जो वैल्यू टोटल है ये 99 बन गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 33। इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे ले आइए, 32 - 19 × 16 डिवाइडेड बाय 33। इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे -1 बचता है, और 16 तो आपका रिमाइंडर रहेगा ही, तो -16 आपका रिमाइंडर है, माइनस में रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। तो 33 - 16 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 17 आ जाएगा, 17 आपका आंसर है। तो बहुत आसान सा, आपको देखिए बहुत आसानी से हमने सॉल्व किया, ऐसा कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। पेपर में अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज़ छोड़ के मत आइए, राइट। SSC है, चाहे आप कह लीजिए IBPS PU का प्री एग्ज़ाम है, चाहे मेंस एग्ज़ाम है, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है रिमाइंडर वाला तो बड़ी आसानी से ये सॉल्व होता है। इसको प्लीज़ ना छोड़ें, 1-1.5 मिनट में ये सॉल्व हो जाता है ये वाली टेक्निक यूज़ करके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और GK डाइजेस्ट एप्लीकेशन जो है इसको ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, एंड IBPS PO मेगा प्रिपरेशन कोर्स जो है उसमें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इन सब की जो वीडियो लेक्चर्स हैं, प्लस डेली के क्विजेज हैं, बाकी के और हमारे मॉक टेस्ट हैं और स्टडी मटेरियल है, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। प्लीज़ इसको अगर इसमें अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। GKDigest.com पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप इसको जो है यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज